पिछले व्लॉग में आपने देखा कि मेरी डिलीवरी को और चीकू के आने को 12 दिन हो गए थे और उससे मिलने आए उसके मामा बहुत दूर से और उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भी लाए। तो उसके मामा बाहर जॉब करते हैं लेकिन आज स्पेशल डे था तो भाई मामा ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता, तो मामा को तो आना ही था। और हमने बहुत मस्ती करी, बहुत इंजॉय किया। अनिका थोड़ा सा शॉक हो गई थी कि ये क्या हो रहा है कि अब उससे ज्यादा अटेंशन छोटे बेबी को मिलने वाली है, लेकिन भाई जो है सो है। बट हम दोनों पर इक्वली ध्यान दे रहे हैं और ये बात जब हमने अनिका को समझाई तो देखो वो फटाफट से कूल हो गई और चीकू के गिफ्ट्स के लिए वो भी बहुत एक्साइटेड हो गई कि आखिर क्या आया है गिफ्ट में। इसके बाद मेरी हॉस्पिटल विजिट भी थी, तो चलो अब आगे का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। आज हम जा रहे हैं बेबी को लेकर के, इसका फर्स्ट चेकअप है आज। आज कौन सी डेट है, डेट कौन सी है, आज 7th है, यस 7th ऑफ जुलाई है आज 2022। सो आज मेरी भी फर्स्ट रूटीन चेकअप है डिलीवरी के बाद आज, तो आज हम दोनों लोगों का हो जाएगा साथ ही साथ क्योंकि एक सेम हॉस्पिटल है, डॉक्टर का केबिन भी पास पास ही है। अभी जस्ट हम निकले हैं घर से तो मैंने ये पहना हुआ है, ये मुझे बहुत कंफर्टेबल लगा, ब्रीथेबल भी लगा और बेबी को फिट कराने में भी इजीली एक्सेस हो जाएगा इसके साथ में। बेबी इज राइट हियर, बस स्माइल कर रही है मैडम हमारी। बारिश हो रही है, लगी है। 7 जुलाई से मुझे याद आया कि मेरी जो ड्यू डेट थी वो थी 14th of July, 14 जुलाई से हो गई थी 7 जुलाई, तो ऑफिशियली मैं अब एडमिट होती, अब बेबी होता, लेकिन बेबी की बेबी को थी बहुत जल्दी इसलिए बेबी मेरे पास थोड़ा पहले आ गई है ना, मज़े में। चलो फिर पहुँचते हैं, देखते हैं आज क्या होता है। और डॉक्टर से बहुत ही अच्छे न्यूज़ की उम्मीद है मुझे कि बेबी अभी ठीक है एकदम और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आगे, जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, गेट फिंगर क्रॉस कि अच्छी न्यूज़ मिले। एंड मुझे भी थोड़ा कुछ कुछ प्रॉब्लम हो रही है जो मुझे लग रहा है अभी डॉक्टर से पूछूं या फिर मैं थोड़ा वेट करूं क्योंकि अभी अभी डिलीवरी हुई है तो इट विल टेक सम टाइम, एटलीस्ट 1 month 40 days तो मैं वेट कर लूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। मैं आपको बताऊँगी कि मुझे क्या प्रॉब्लम फील हो रही है, मैं आपको अच्छे से बताऊँगी, अभी नहीं बताती हूँ, वीडियो के स्टार्टिंग में क्या बताऊँ। सो आई कैच यू लेटर, बाय। ओ गॉड, आप गलत जगह से आ गए। बर्थ व्लॉग और फेस रिवील, जेंडर रिवील, अरे बहुत बड़ा मुद्दा हो गया भाई, देखना देखना। सब्सक्राइब किया है? अभी तो वेलकम वाला वीडियो भी आएगा। अच्छा। मैं जब एडमिट हुई थी तो लेबर से जस्ट पहले तक वीडियो एडिट कर रही थी तो सिस्टर मुझे बोल रहे थे मैंने पहली ऐसी माँ देखी है जो लास्ट तक काम कर रही है, अब रख दो फोन। इसमें कुछ
कुछ अप्लाई तो नहीं करना ना हमें? बस डॉक्टर ने बेबी को एग्जामिन कर लिया है और कुछ टेस्ट एंड अल्ट्रासाउंड रिकमेंड कर रहे हैं जो अभी हम करवाएंगे, बट इन बिटवीन दैट मैं यहाँ पर ब्रेस्ट फीड कराने के लिए आई हूँ चीकू को। ये लैक्टेशन रूम है हॉस्पिटल में ही जहाँ पर मैं बैठी हूँ और यहीं पर फीड कराना होता है। एक सीट दिए हुई है, यहाँ पर लेट के भी करा सकते हैं, बैठ के भी करा सकते हैं। आज सुबह से ही बारिश वाला मौसम था, लगातार बारिश हो रही थी और अभी भी बाहर बारिश ही हो रही है। तो मैंने चीकू को फीड करा दिया है और अब हम जा रहे हैं सैंपल कलेक्शन के लिए, मतलब बेबी का ब्लड सैंपल जाना है। तो यहाँ हम बैठे हुए हैं ऊपर मैटरनिटी वार्ड में ही, यहीं पर बेबी का सैंपल लिया जाएगा क्योंकि नीचे कॉमन एरिया है और बहुत सारे तरीके के पेशेंट आते हैं। बस बेबी को रूम में लेके गए और डोर बंद कर लिया और डोर जैसे ही बंद हुआ मैं डर गई। देखो आप, ये सुपर बॉटम्स का है ये नैपी, एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब करता है ये पी वगैरह को, तो ये हमने लिया था और अभी हम ये पहना रहे हैं चीकू को। ऑल्सो इसके साथ मसलिन वाले भी नैपी थी तो वो भी हम पहना रहे हैं और इसे भी पहना रहे हैं और बीच बीच में डायपर भी पहना रहे हैं हम उसे। हे गाइस, सो आज हमारी फर्स्ट हॉस्पिटल विजिट थी, डिलीवरी के बाद मेरी फर्स्ट पोस्टनेटल विजिट थी और बेबी की फर्स्ट यू नो बर्थ के बाद फर्स्ट डॉक्टर विजिट थी। आज हम होकर के आए और सेम डे ही हमने मतलब डॉक्टर से मिल लिया। छोटू की यानी चीकू की जो डॉक्टर विजिट थी वो थी 5th of July की और मेरी 7th की थी, लेकिन उस दिन मेरी तबीयत कुछ खास अच्छी नहीं लग रही थी तो मैंने कैंसिल किया और आज का ही प्लान किया कि आज ही हम दोनों दिखा लेंगे डॉक्टर को। सो आज क्या हुआ कि डॉक्टर ने मुझे एग्जामिन किया, चेक किया और स्टिचेस वगैरह उन्होंने देखी तो बोले स्टिचेस ड्राई हो रही हैं, 12 टू 15 डेज लगेगा, ये ड्राई हो गए कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाएंगी, निकल जाएंगी। और जो मुझे पेन है, वजाइनल पेन है और वो सब पेन अभी क्योंकि तुरंत ही डिलीवरी हुई है तो रहेगा और आगे भी रहेगा, धीरे धीरे करके पेन अपने आप ही कम होता चला जाएगा, जैसे जैसे ब्लीडिंग कम होगी वैसे वैसे पेन भी चला जाएगा। अब मेरे साथ अभी क्या हो रहा था, लास्ट 4 डेज से मुझे जॉइंट पेन बहुत शुरू हो गया, लाइक बैक का पेन, पैरों का पेन, हड्डियों का पेन बहुत शुरू हो गया। तो ये होता है नॉर्मल डिलीवरी में, दैट इज़ मोस्ट कॉमन थिंग जो डॉक्टर ने मुझे बोला कि नॉर्मल डिलीवरी में हड्डियों का पेन होना, कमर का पेन होना, जॉइंट का पेन होना बहुत ज़्यादा कॉमन है, स्पेशली अगर आपकी सेकेंड डिलीवरी है या थर्ड डिलीवरी है तो ये होता है। एंड यू आर लकी कि इस बार तुम्हारा लेबर बहुत जल्दी हो गया और तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ा डिलीवरी के लिए, और मैं तो बिल्कुल गिव अप कर चुकी थी उस टाइम पर, लेकिन डॉक्टर यू नो उन्होंने मुझे इतना अच्छे से गाइड किया कि क्या करना है कि मेरे बेबी का जो हेड है वो अपने आप नीचे आ जाए और डिलीवरी हो जाए बड़ी आसानी से। बस मैंने उनके वर्ड्स फॉलो किए और सब कुछ हो गया। तो आज भी उन्होंने चेक किया मुझे और फिर जो भी प्रीनेटल जो सप्लीमेंट्स थे उन्होंने बोला ये कंटिन्यू करना है, आयरन और कैल्शियम की जो डोजेस थी वो मुझे लेनी है और लेते रहनी है। एंड उसके साथ D3 भी मुझे दिया जा रहा था क्योंकि पेल्विक बोन का पेन चल रहा था, उसके लिए दिया जा रहा था मुझे। तो वो जो सप्लीमेंट था D3 वाला वो भी 6 to 7 टैबलेट्स बाकी थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि ये ख़त्म कर दो फिर इसके बाद आपको और कुछ भी करने की या फिर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑल्सो 1/2 liter मिल्क डेली लेना है, किस तरीके से ले रही हूँ, किस फॉर्म में ले रही हूँ ये मुझे देखना है। मिल्क लेना बहुत ज़रूरी है, प्रोटीन वाली चीज़ें जो हैं वो सब लेना ज़रूरी है, फाइबर रिच फूड लेना बहुत ज़रूरी है अच्छे मिल्क के लिए। बाकी मैं सब कुछ खा सकती हूँ, कोई टेंशन नहीं किसी भी तरीके की। बट या अगर मैं ये सोच रही हूँ कि मेरा वेट जल्दी कम हो जाए, मेरा टमी जो बल्जी है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए, तो मुझे घी नहीं पीना है, घी उतना ही खाना है जितना कि बॉडी को नीड है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो रिकवरी घी से ही होनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप घी पियोगे, बहुत ज़्यादा खाओगे तो आपका वेट कभी कम नहीं होगा, जो ये फैट है बेली पे भी कभी कम नहीं होगा। तो ठीक है, मैं जितना पहले घी खा रही थी उससे ज़्यादा ही खा रही हूँ, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ घी ही खा रही हूँ। ओके, तो ये सारी चीज़ें। फिर बेबी को दिखाया हमने डॉक्टर को, तो बेबी का जो जॉन्डिस था वो अभी नहीं है। सो ये है गुड न्यूज़ कि अभी जो बेबी का जॉन्डिस इतना ज़्यादा बढ़ गया था
वो भी नहीं है, रिड्यूस हो चुका है, अभी वो नॉर्मल है. एंड ऑल एंड और जो भी और चीज़ें थी वो भी अभी ठीक हैं, और कुछ चीज़ें तो लाइक ठीक है, चलती रहती हैं चीज़ें. और बेबी अभी लाइक पी और पूप वगैरह नॉर्मल चल रहा है, वेट भी ठीक है बेबी का. बेबी 2.9 kg पर डिलीवर हुआ था, उसके बाद 800 and something grams उसका रिड्यूस हो गया था वेट दूसरे दिन ही, जो कि बेबीज का होता ही है. इसके बाद में 1 to 2 weeks में बेबी का वेट गेन होना चाहिए, तो इसका वेट गेन हुआ है, 3 kg प्लस हो चुका है इसका वेट. और मैं अभी ब्रेस्ट फीड ही दे रही हूँ इसको, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड चल रही है मेरी. टॉप फिट बिल्कुल बंद है, मुझे ऐसा लग रहा है शुरुआत के 2 दिन जो थे हॉस्पिटल में, हमने टॉप फिट इसको दिया था जब मुझे सिक्रीशन नहीं था, उसके बाद से ब्रेस्ट फीड ही चल रही है, अभी भी चल रही है. ब्रेस्ट फीड के लिए भी मैं बहुत फाइबर रिच जो फूड होते हैं वो खा रही हूँ, दूध अच्छे से पी रही हूँ, प्रोटीन डाइट अच्छी ले रही हूँ. तो ये सारी चीज़ आपको करनी है अगर आपको चाहिए कि ब्रेस्ट फीड अच्छा आए. का अपडेट यही है, और आप सभी लोगों ने इतनी विशेष दी यार, मेरी जो अपने होते हैं ना उनकी विशेष ज़रूर लगती हैं. और मेरी बेबी अभी ठीक है और आगे भी ठीक है, बस इस तरह से विशेष देते ही रहना, क्योंकि 1 month तक मॉनिटर करना पड़ता है बेबीज़ को, ध्यान देना पड़ता है. तो बस इस तरीके से अपना प्यार बनाए रखना, बच्ची को अपनी दुआएं देते रहना, और आपकी भी बेबी है चीकू तो जैसे आपने अनिका को इतना प्यार दिया है, मुझे इतना प्यार दिया है, वैसे चीकू को भी आप अपना इतना ही प्यार देना प्लीज़. और हाँ बेबी, यस She is right here. और अनिका की डॉल अभी भी यही है, ये देखो हाय, चिकू यही है. चिकू ने कपड़े नहीं पहने, चिकू नंगू है, नंगू है. ओके, तो इसकी जो कॉर्ड थी इसने पुल ऑफ कर दी थी, मतलब अपनी कॉर्ड निकाल के फेंक दी थी वापस तीसरे दिन, और मैं इतना डर गई थी, इतनी ब्लीडिंग हो रही थी इसी कॉर्ड इसने निकाली तो. तो डॉक्टर ने इमीडिएटली मतलब ट्रीटमेंट दिया इसको और ड्रेसिंग वगैरह करी, तो आज उसकी कॉर्ड ठीक है. डॉक्टर ने चेक किया अच्छे से, क्लीन कर दिया पूरा अच्छे से. तो अब उन्होंने बोल दिया है कि आज डे 13 है और अब मैं इसे नहला सकती हूँ. तो मैंने ना छोटू के लिए यानी कि चीकू के लिए बेबी बैथर लिया था, अभी तक मैंने उसे यूज़ नहीं किया, मैंने उसका वीडियो भी पोस्ट किया, आप लोगों ने देखा ही होगा. तो अब मैं उसे यूज़ करना स्टार्ट करूँगी, और आने वाले ब्लॉग्स में मैं आपको दिखाऊँगी कि किस तरीके से हम उस बैथर में बेबी को नहलाते हैं. बहुत सही चीज़ होती है बच्चों को नहलाने के लिए, स्पेशली जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं ना उनको नहलाने के लिए. मैंने अनिका के टाइम पे बाथ टब लिया था, स्लाइडर लिया था, बट वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता जितना कि बेबी बैथर होता है. और टब वगैरह आप 6 month के बाद यूज़ कर सकते हो, जब बच्चा थोड़ा सा यू नो स्टिफ हो जाती है उसकी बैकबोन, उसके बाद आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन इनिशियल एज में ये सही रहता है. तुम रोती हो ना तो दीदी को ना बुरा लगता है, और जब दीदी रोती है तो तुमको नहीं लगता बुरा? मम्मी को लगता है ना, मुझको भी कुछ लगता ही नहीं है, थोड़ी बड़ी होगी तब उसे पता चलेगा. अरे मेरा हाथ किसने चोट से पकड़ लिया ये? अरे हाँ, किसने पकड़ लिया दिखाओ? इस बेबी ने. वाओ, तुम बहुत प्यारे हो. दूसरा लगाम दिखाओ, दीदी को नहीं दिखाओगे? दर्द होता है. तो हमने अभी रिसेंटली कीको का ये सूदर पेसिफायर लिया, स्पेशली न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए ये बनाया गया है, और बहुत ही डेलिकेट है, डेंटिस्ट रिकमेंडेड भी है, बेबीज़ की गम्स के लिए बिल्कुल सेफ है, सॉफ्ट है और जेंटल है. अभी पेसिफायर्स तब बहुत काम आते हैं जब बच्चे के साथ में आपको कहीं ट्रैवल करना है, फ्लाइट से या कार से, या बच्चा क्रैंकी हो रहा है, या फिर बच्चे का वैक्सीनेशन है. वाओ, this is actually really good, made with silicone, soft silicone है, BPA free है, clinically tested है, dentist recommended है, this is the pacifier. alright, so अभी आज हो गई है 8th of July, तो मैं जा रही हूँ ब्रेस्ट पम्प का यूज़ करने, अभी मिल्क रिलीज करूँगी क्योंकि बेबी बिल्कुल नींद में है, उठने का नाम नहीं ले रही है चिकू हमारी, तो ये मिल्क निकाल के रखूँगी मैं अभी, और इन बिटवीन जब मेरी मसाज होगी तो उसको ये फीड अभी दे देंगे हम, आंटी आने की ही होंगी. अनिका स्कूल चली गई है और अभी 3 घंटे का उसका स्कूल हो गया अभी, आज 8th of July मैंने बताया आपको आज डेट है, और
गॉड, एक्सेप्ट मी, सब मैनेजर रहे हैं उससे. मैं आज तो मैंने उसके हेयर नहीं बनाया क्योंकि मैं बहुत नींद में थी, मैं सो गई. तो शायद उसके पापा ने उसके बाल ठीक करके दिए और मैंने नींद में ही देख करके बस ओके कर दिया कि हाँ ठीक है. क्लिप वगैरह लगाई थी, सब करी थी, मम्मी खाना पीना सब कुछ देख रही है उसका, और पापा उसको लाना ले जाना और ड्रॉप करना पिक करना ये सब देख रहे हैं. बारिश का मौसम हो रहा, कल इतने उन लोग भीग गए थे. स्कूटी से ड्रॉप करने जाते हैं, लेने जाते हैं. तो अभी तो फिलहाल सब मैनेज हो जा रहा है, लेकिन जब चले जाएंगे मम्मी पापा तो कैसे करूँगी मैं वही सोच रही हूँ कि ऐसे और टाइम पे अनिका को पिक करना, फिर हमारा एक छोटा सा बेबी भी है अभी उसके साथ में, मैं कैसे मैनेज करूँगी. यस, मुझे या तो बस सर्विस लेनी पड़ेगी स्कूल से, या तो फिर कैब या फिर वैन सर्विस लेनी पड़ेगी, क्योंकि बेबी को लेकर के मैं तो नहीं निकल पाऊँगी इतनी फ्रिक्वेंटली, डेली बाहर तो नहीं निकल पाऊँगी. और इसके पापा तो उसको ड्रॉप कर ही देंगे, आगे देखते हैं क्या होता है. दिखाती हूँ आपको, चिकू यही है, ये चिकू. कल रात तो बहुत क्रैंकी हो रही थी. एक्चुअली हम हॉस्पिटल गए थे कल, और उसे ब्लड सैंपल निकालने के लिए मतलब बहुत बार इंजेक्ट किया लेकिन सैंपल नहीं मिल रहा था. बहुत दिक्कत हो रही थी कि बच्चे रोते हैं ना तो ब्लड सैंपल नहीं आ पाता है, प्रॉब्लम ये होती है. तो बच्चे को बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए, या फिर बच्चे स्लीप मोड में हो, सो रहे हों, बिल्कुल सो गए हों, तभी मिल पाता है. लेकिन वो ऐसा हुआ था हॉस्पिटल में भी, जब मैं एडमिट थी तो उस टाइम पर भी वो रो रही थी और सैंपल नहीं मिल पाया था. अभी मेरा गला थोड़ा सा बेटर हो गया पहले से, लेकिन स्टिल वही चीज़ है. तो होम रेमेडीज़ अभी भी चल रही हैं, और मुझे जब भी कोल्ड होता है तो इतना लंबा टाइम लगता ही है ठीक होने में. उसकी वजह से जो इंजेक्शन लगे बहुत ज़्यादा, यहाँ यहाँ पैरों में हर जगह आगे, पता नहीं कितनी बार उसको इंजेक्ट किया सैंपल के लिए, कहीं से सैंपल मिले. लेकिन ये अनप्रोफेशनल बिहेवियर मुझे समझ में नहीं आया कि यार बच्चा है छोटू सा, यार एक महीने की भी नहीं है वो, 13 दिन की बच्ची है. और उसे उस हिसाब से आप ट्रीट करो ना, मतलब प्रोफेशनली ट्रीट करो. जो प्रोफेशनल बंदे हों, बंदी हों, नर्स हों, उनकी हेल्प लो. NICU की जो नर्स है उनकी हेल्प लो, मैग्नेटिक वर्ड की नर्स है उनकी हेल्प लो आप यार. तो हमने ये चीज़ फिर बोला बाद में, फिर वही चीज़ हुई कि NICU से एक सीनियर प्रोफेशनल नर्स आई और फिर उन्होंने सैंपल निकाल करके दिया कैसे करते हैं. तो मुझे बहुत रिलैक्स फील हुआ यार, मुझे लग नहीं करवाना है ये सब, कुछ नहीं करवाना, मुझे कोई टेस्ट नहीं करवाना है. मुझे पता है मेरा बेबी ठीक है, आई नो आई एम अ मदर एंड आई नो माई बेबी इज़ फाइन. सो ये स्ट्रॉन्ग फेथ के साथ में गई थी कल हॉस्पिटल, और मुझे एंड में गुड न्यूज़ ही मिली. पूरा दिन हमारा चला गया कल हॉस्पिटल में. तो डॉक्टर ने अभी बोल दिया कि उसे बात भी दे सकते हो आप, उसे मसाज भी कर सकते हो. बिल्कुल लाइट हैंड से मसाज करना है, ऑर्गेनिक ऑयल लगाना है, कोई आर्टिफिशियल या फिर फैंसी ऑयल नहीं लगाना है, ना ही कोई वॉश वगैरह ऐसे अप्लाई करना है. तो हम वही कर रहे थे. अभी तो मैंने उसे नहलाया नहीं है, बस स्पॉन्ज बात ही दी थी उसको इतने दिन से, चट्टी से उसकी. तो अब मैं उसे नहलाना शुरू करूँगी और मैं दिखाऊँगी कि मैं उसे कैसे नहलाती हूँ. और उसकी मसाज भी 2 दिन से ही मैंने शुरू की थी, हल्का हल्का ऑयल अप्लाई कर रही थी. तो अब थोड़ा सही से मसाज भी हो जाएगी इसकी, करूँगी. और फिर 15 डेज़ के बाद में मैं मालिश वाली आंटी को बोलूँगी कि एक बार ही वो मसाज कर दिया करे, और फिर शाम को मैं कर दूँगी. तो 2 टाइम्स इन अ डे मसाज हो जाएगी, या मम्मी कर देंगी मसाज. तो ये है अभी तक का अपडेट, बाकी सारी चीज़ें ठीक है. और थोड़ी मोड़ी जो दिक्कतें आती ही रहती हैं वो तो होती ही रहती हैं, उनका क्या करना है. लेकिन हमेशा हमें स्ट्रांग फेथ रखना चाहिए डेस्टिनी में, भगवान में, ईश्वर में, सब में हमको एकदम मजबूत फेथ रखना चाहिए. आप जब स्ट्रांग फील करोगे ना अंदर से, आप कॉन्फिडेंट फील करोगे ना, तो मतलब ये जो यूनिवर्स है, ये जो डेस्टिनी है, ये जो पूरा मतलब सोर्स है ना, एक पार है, ये सब आपकी हेल्प करेंगे. और आप जो चाहते हो ना वो ज़रूर होगा. मैं इतने दिन से यही प्रे कर रही थी, और बिफोर गो टू बेड मैं भगवान से प्रे करती थी 5 मिनट्स, बहुत मन से प्रे करती थी कि मेरी बच्ची जल्दी से ठीक हो जाए, उसकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब सॉर्ट आउट हो जाए. उसके लिप्स भी यहाँ पे बहुत क्रैकी हो रहे थे, आपने देखा होगा, वो सब अभी ठीक हो गया है धीरे धीरे, और ठीक हो जाएगा और स्मूथ हो जाएंगे पूरे लिप्स. सो बस इसी तरीके से अपनी विशेज हैं, अपनी दुआएँ हैं, अपना प्यार, अपनी प्रार्थना बनाए रखना, और चिकू को अपना लव शेयर करती रहना. चिकू के साइड से बाय बाय.